उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटने का असर केंद्र में बनने वाली एनडीए 3 की सरकार में भी दिखेगा। माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कम होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हारे हैं केंद्रीय मंत्री, उनके स्थान पर कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि मंत्री बनाने में जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा जाने वाला है। दरअसल 2019 के चुनाव में यूपी में भाजपा ने एनडीए समेत कुल 65 सीटें जीती थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा 36 पर सिमट गया। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार सीटों की संख्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश की भागीदारी दी जाएगी। हालांकि इस पर जो फैसला है वो 7 को दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाली भाजपा की बैठक में लिया जाएगा, यानी कि ये जो अहम फैसला है ये 7 जून को किया जाएगा। इस बैठक में चुनाव के परिणामों की समीक्षा, केंद्र सरकार के स्वरूप समेत प्रदेश की सरकार में भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल समेत यूपी से कुल 14 मंत्री हैं। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, वीके सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, बीएल वर्मा और अजय मिश्र उर्फ टेनी शामिल है। बीएल वर्मा राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि मोदी समेत 13 मंत्री इस बार भी चुनाव मैदान में उतरे थे, इनमें 7 मंत्री चुनाव हार गए। निवर्तमान मोदी सरकार में यूपी से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल रहे महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए। इसलिए माना जा रहा है इनके स्थान पर पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा को पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की लॉटरी लग सकती है। इसके अलावा दलित और ओबीसी के समीकरण को साधने के लिए भी सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि और एसपी सिंह बघेल में कोई 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं बात करें ओबीसी चेहरे की तो भोला सिंह, छत्रपाल गंगवार, पंकज चौधरी और विनोद बिंद में से किसी 2 को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो चली है। आपको बता दें, सियासी गलियारे में एक कहावत काफी पुरानी है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। केंद्र की कुर्सी के लिए यह बात फिट भी बैठती है। 2014 और 19 में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत में यूपी का योगदान था। दरअसल देश में लोकसभा सीट के लिहाज में यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में जिसे यहाँ ज्यादा सीटें मिलती हैं उसके लिए राह आसान हो ही जाती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के महत्व को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर ही सिमट गई। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सीटें रही जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा वर्चस्व था, लेकिन इस बार सपा ने उनके गढ़ में सेंध लगा दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे निराशा की बात तो यह है कि इस बार न सिर्फ उनकी सीटें कम हुई बल्कि उनका वोट शेयर भी घट गया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, तब उसका वोट शेयर 49.97% था। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटें जीती और वोट शेयर 41.39% पर आ गया। वोट शेयर में करीब 7.9% की गिरावट देखी गई। अब यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मंथन का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।